हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि वाईफाई कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप बिना पासवर्ड डाले। और गाइस, मेरे पास है इन्फिनिक्स का फ़ोन है। बहुत इजी तरीके से आप बिना पासवर्ड डाले ही वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, और कैसे कनेक्ट करेंगे वो बताऊंगी, तो आइए शुरू करते इस वीडियो को बिना कुछ देरी के। तो सबसे पहले इस तरीके से नोटिफिकेशन स्क्रॉल करना, और इसके बाद आपको वाईफाई को प्रेस करके रखना, तभी आपको यहाँ दिखता है वाईफाई। अगर ऑन नहीं तो उसे ऑन कर देना। अगर आपके में वाईफाई कनेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे स्कैन करना, फिर आप दूसरे फ़ोन का जो QR कोड लेंगे, जैसे कि मेरा दूसरा फ़ोन है, तो आप इसके इस पर क्लिक करना वाईफाई पे, और इसके बाद आपको वाईफाई पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे दिख जाता है वाईफाई QR कोड, और यहाँ से आप उसका वाईफाई जिस जो भी आपका यहाँ वाईफाई कनेक्ट होगा उसी का वाईफाई आप ले सकते हैं इस तरीके से QR कोड की मदद से। बस आपको स्कैन करना है इस तरीके से, और आपका जो है वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तब आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से जो है आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस वाईफाई किसी फ़ोन में नहीं होता है कनेक्ट, और उसके अंदर आपके में कोई सिम डाला है, उसमें इंटरनेट है, और उसके लिए आपको हॉटस्पॉट चाहिए होगा, तो हॉटस्पॉट से भी आप जो है ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको कनेक्शन शेयरिंग के ऑप्शन भी क्लिक करें दूसरे फ़ोन में, और इसके बाद आपको हॉटस्पॉट के ऑप्शन भी क्लिक कर लेना है। तभी आपको यहाँ दिखता है पर्सनल हॉटस्पॉट, आपको उसे ऑन कर लेना होता है। ऑन करने के बाद आपको QR कोड भी क्लिक करना होता है, फिर ऐसा आप जो है इसका हॉटस्पॉट मतलब इसका नेट यूज़ कर सकते हैं हॉटस्पॉट का QR कोड लेकर। सो गाइस, इस तरीके से जो है आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं बिना पासवर्ड डाले। और गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और गाइस, अगर इसका आप किसी और फ़ोन में देना चाहते हैं तो सेम वैसे प्रोसेसर होगा जैसे मैं आपको दूसरे फ़ोन में बताई, एंड वाईफाई पे क्लिक करना, और इसके बाद इसकी QR कोड अगर आपको शेयर करना हो तो आप इसकी ये रहा QR कोड इस पर क्लिक कर देना, फिर आपको यहीं पर दिख जाएगा QR कोड। एंड तो ये रहा शेयर, तो शेयर पे क्लिक कर लेना, और ये वाला QR कोड आप स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।